YouTube चैनल में। मैं प्रशांत आज आपको बताने जा रहा हूँ करंट अफेयर सीरीज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो दिसंबर 2019 से जुलाई 2020 तक महत्वपूर्ण रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला है अपना COVID-19। ठीक है, इस पर पहली चीज मैं जो बताने जा रहा हूं आज अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि कोविड 19 को WHO ने पहली बार पहचाना था, पहली बार मतलब नाम दिया था 31 दिसंबर 2019 को। ठीक है, WHO ने इसको आइडेंटिफाई किया था कि कोविड-19 डिसीज होती है कोरोना वायरस से। क्लियर, ओके। तो तब से हम कोरोना वायरस से अभी तक वर्तमान में परिचित हैं। अगला है अपना साथी पहल। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इंडिया गवर्नमेंट का, भारत सरकार का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उससे एक साथी पहल की शुरुआत की गई थी। साथी पहल का मतलब है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये साथी पहल की शुरुआत की गई थी अपने प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ओके। अगला है अपना क्रूज मिसाइल। ठीक है, तीसरी जो अपनी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी है, क्रूज मिसाइल RAD-2, इसकी जो शुरुआत की गई या फिर टेस्टिंग की गई है पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, तो ये RAD-2 जो शब्द है इसको जरूर याद रखेंगे क्योंकि पाकिस्तान से संबंधित जो मिसाइलें वगैरह होती हैं ये भी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, इस पे एक शब्द और आया है क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो हम ये सामान्यतः सुने होंगे क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल वो मिसाइल होती है जो गाइडेड होती है। ठीक है, कि जिनके लिए हमने टारगेट गाइड कर दिया और ये प्लेन की तरह उड़ सकती है और अपने निर्धारित जो लक्ष्य है उसको वार कर सकती हैं। ठीक है, और बैलिस्टिक मिसाइल वो होती हैं जो अपने गुरुत्वाकर्षण के आधार पे ऊपर से छोड़ दी जाती हैं और वो अपने गुरुत्वाकर्षण के बल पे जाती हैं और अपने निशाने को साधती हैं। ठीक है, तो ये क्रूज मिसाइल आया है तो इस शब्द को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल RAD-2 पाकिस्तान के द्वारा टेस्ट की गई है। क्लियर, ओके। एंड नेक्स्ट है अपना MAX-4028 यानी कि 4028। MAX-4028 ये गेहूं की किस्म है। ठीक है, गेहूं की किस्म है ये जो अपने पुणे स्थित संस्थान द्वारा नई खोजी गई है। इसकी विशेषता ये है कि इस किस्म में जो कीटाणु लगते हैं, जो रोगाणु लगते हैं और कम समय में ये पक जाती है, तैयार हो जाती है। तो MAX-4028 ये गेहूं की फसल है। ओके, नेक्स्ट है अपना सनराइज मिशन अपना नासा के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब सनराइज मिशन नासा का इसका उपयोग क्या है एक्चुअली, इसमें जो सोलर तूफान आते हैं, जो सौर तूफान आते हैं, तो अंतरिक्ष यात्रियों की उससे रक्षा करना है, उसकी चेतावनी है एक्चुअली, ये जो तूफान होते हैं उसकी पूर्व सूचना दे देता है। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य यह है, सनराइज मिशन जो नासा के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, कब शुरू हुई, ये स्टार्ट होगा अपना 1 जुलाई 2023 से। ठीक है, सनराइज मिशन और अंतरिक्ष पर सौर जो सोलर तूफान होते हैं उनके जो प्रभाव होते हैं उसके बारे में ये अध्ययन करेगा और पूर्व चेतावनी देगा। ठीक है, ओके। अगला है अपना प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी अपनी शुरू की गई है अभी अभी COVID-19 की टेस्टिंग के लिए। प्लाज्मा के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, ऐसा माना गया है कि जो एंटीबॉडी बन जाते हैं, ठीक है, शरीर में उनको, तो वो कैसे काम करता है थोड़ा सा समझेंगे अपन। एक्चुअली ये जो प्लाज्मा थेरेपी है शुरू की गई है श्री चित्र तिरुमल इंस्टीट्यूट के द्वारा, मेडिकल कॉलेज है ये, यहाँ से डेवलप की गई है। तो प्लाज्मा में करते क्या है एक्चुअली, कि जब कोई जो COVID-19 का जो पेशेंट होता है वो ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। ठीक है, तो उसकी एंटीबॉडी जब बन जाती है तो उस ठीक हुए व्यक्ति का ब्लड निकालते हैं, उसमें से सीरम और प्लाज्मा अलग करते हैं। ठीक है, क्लियर, सीरम और प्लाज्मा अलग करते हैं और वो सीरम जो अन्य रोगी है उसके शरीर पे इंसर्ट करा दिया जाता है। ठीक है, तो वो एंटीबॉडीज जो डेवलप हो गए हैं तो वो किसी रोगी के शरीर में जाकर के एंटीबॉडी दूसरा एंटीबॉडी बना लेते हैं जिससे वो व्यक्ति भी बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा थेरेपी है। ओके, अगला है अपना डिजिटल स्टेथोस्कोप। ठीक है, डिजिटल स्टेथोस्कोप ये है कि डिजिटल स्टेथोस्कोप मतलब कि दूर स्थित किसी व्यक्ति की यदि धड़कन सुनना है जैसे मोबाइल के थ्रू। ठीक है, मोबाइल के थ्रू अपन डिजिटल स्टेथोस्कोप से, मान लीजिए डॉक्टर घर पे बैठा है अपने और आप अपने घर पे हैं, तो डिजिटल स्टेथोस्कोप के थ्रू डॉक्टर आपकी धड़कन सुन सकता है। ठीक है, तो ये खोज कहां की गई है, IIT बॉम्बे के द्वारा। ठीक है, इसका पेटेंट IIT बॉम्बे ने कराया है, डिजिटल स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप होता है जो डॉक्टर आला लगाते हैं। ठीक है, आला आपकी
धड़कन सुनने के लिए। ओके, अगला है अपना मोबाइल लेबोरेटरी, ठीक है, मोबाइल लेबोरेटरी फॉर COVID-19 टेस्ट, ठीक है। तो मोबाइल लेबोरेटरी का मतलब यह है कि जो चलित लैब होती है, यानी कि गाड़ियों में जो लैब टेस्ट लैब सेट रहती है, तो वो दूर जाके अपना आपके COVID-19 का टेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये जो डिजिटल लैब है, ये शुरुआत की गई है DRDO के द्वारा। DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज DRDO। और ये शुरुआत, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, दिमाग में ये याद रखेंगे, कभी कभी आ जाता है, ठीक है, DRDO। ओके, अगला है अपना कमर्शियल क्रू प्रोग्राम। कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है अपना नासा के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, ये एक्चुअली क्या है कि जो अपने स्पेस स्टेशन है, ठीक है, अंतरिक्ष जो स्टेशन है, उस पे यात्रियों को, यानी कि जो पर्यटन करना चाहते हैं अंतरिक्ष स्टेशन का, स्पेस स्टेशन का, उनके भेजने के लिए शुरू किया गया है कमर्शियल क्रू प्रोग्राम। इसमें अमेरिकी सरकार सहयोग कर रही है, ठीक है, नासा के द्वारा शुरू किया गया, अमेरिकी सरकार सहयोग की गई इसमें। फॉल्कन रॉकेट, एलन मस्क की कंपनी जो है, ठीक है, तो फॉल्कन रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है, फॉल्कन रॉकेट, एलन मस्क। एलन मस्क को आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे गूगल में सर्च कीजिएगा, क्लियर। ओके, अगला है अपना यूवी ब्लास्टर, ठीक है। यूवी ब्लास्टर ये होता है कि एक टावर होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, अभी चर्चा में था, अल्ट्रावायलेट किरणों के थ्रू टावर लगा होता है ये, इसके बीच में जो भी आते हैं तो कीटाणु रोधी, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस के थ्रू कीटाणुओं को मारने का काम करता है, क्लियर। ओके, इसके बाद है अपना नासा मंगल हेलीकॉप्टर, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आया है परीक्षाओं में और चर्चित भी रहा है, ठीक है। मंगल हेलीकॉप्टर का नाम है इनजेन्यूटी, ठीक है, जेन्युइन आप जानते हैं ना, उसके सामने IN लगा लीजिए, ठीक है, तो इनजेन्यूटी मंगल का हेलीकॉप्टर है, मंगल मिशन का जो हेलीकॉप्टर है वो नासा के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। तो इसका नाम, हेलीकॉप्टर का नाम याद रखेंगे अपन, इंपॉर्टेंट है, इनजेन्यूटी। ओके, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे, ठीक है। अब राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान पुणे, ये एक चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, ठीक है, अब कौन सी एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है COVID-19 के ठीक हुए पेशेंट में, उसके शरीर की एंटीबॉडी टेस्ट करने के लिए एक किट डेवलप की है, ठीक है, और उस टेस्ट का नाम है, किट का नाम है ELISA। ELISA किट है, एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, ठीक है, कहां शुरू की है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे, क्लियर। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रमुख बिंदु। अगले वीडियो में हम और इसी से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं को कवर करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए आप इन चीजों को रिवाइज करते रहिए, और कुछ यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।